सोमवार को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना का उद्घाटन किया। योजना के तहत राज्य की जनता को बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सामान्य उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ये तस्वीर है निःशुल्क दवा योजना के उद्घाटन कार्यक्रम की, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर पशुपालन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की है। इसके मुताबिक किसानों को पशुओं के इलाज के लिए निःशुल्क दवा दी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को 87 तरह की साधारण दवाइयाँ और 17 तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस योजना का लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा, धन की कोई कमी नहीं आएगी इसमें। ये हमने तय कर रखा है कि चाहे वो निःशुल्क दवा योजना मनुष्य के लिए हो चाहे पशुधन के लिए हो, जितना बजट लगेगा पूरा इंतजाम किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक पशु उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 11% है, जबकि दुग्ध उत्पादन में 13%। शायद यही वजह है कि सरकार ने इसे और बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। 8% अगर पशुधन है राजस्थान में, कंट्रीब्यूशन उसका, तो आप समझ सकते हो इसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। नंबर एक बात, दो, पूरे देश का जो पशुधन है वो 11% राजस्थान में है, इसका अपना महत्व हो गया। नंबर तीन, दूध जो है वो पूरे देश का 13% यहाँ ही जाता है, उत्पन्न होता है। खास बात ये है कि इस योजना का फायदा किसानों तक पहुँचाने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। मसलन पशु शिविर और जागरूकता अभियान जैसे मुहिम से लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखना ये है कि इसका फायदा किसानों को होता है या नहीं। राघव शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, जयपुर।